क्या आपने कभी किसी को अपना दिल दिया? नहीं नहीं कट। क्या आपने कभी किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को बात करते हुए देखा है? नहीं नहीं ना, मैंने भी नहीं देखा है। कोई बात नहीं, चलो इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना, एक अच्छा सा मैसेज भी है। आपको वीडियो थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा, लेकिन मजा आएगा। वीडियो लास्ट तक देखना, चलिए। हाँ, मैं हूँ टॉयलेट जीजा। तुम सब लोग हल्का होने आते हो सुबह शाम हर टाइम। अभी एक मोटा आएगा और बैठेगा, एक तो उसका वजन इतना है। इतना वजन कौन रखता है भाई? इसकी गन के साथ मेरी भी फट जाती है। देखना अभी ये गंदी पोटी डालेगा, वैसे आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन पता नहीं ये हाथी क्या खाता है पूरे दिन। हाला कई बार ये जोश में आकर मेयोनीज निकाल देता है। तो इसको आज सबक सिखाता हूँ, ये पिचकारी स्टार्ट ही नहीं होने दूंगा। अरे ये पिचकारी क्यों नहीं चल रही है? जैसे चलेगी मैंने रोक के रखी है। कोई बात नहीं, लेडीज रूमाल से ही काम चला लेता हूँ। देखो ये नालायक, मुझे तो गंदा किया, अब ये रूमाल को भी गंदा कर रहा है। 5 minutes later। अरे ओए हरामखोर, ओए फ्लॉस करके तो जा, फ्लॉस कौन तेरा बाप करेगा? देखो साला फ्लॉस किए बिना ही चला गया। हाँ तो मैं हूँ पिलो, जिसे तुम तकिया बोलते हो। मेरे तो इतने सारे मल्टीपर्पज यूज है की बात ही मत पूछो। आप देखो एक करके। देखो ये अभी सिंगल है, अभी ये तकिया यानी मेरे को ऐसी जगह घुसेगा, बात ही मत पूछो। अरे नहीं उधर नहीं। अरे ये मुझे लेकर ऐसे लड़ते हैं जैसे 200 जंगली सांड को खुले मैदान में छोड़ दिया। अरे काले सुअर साले, मेरे हाथ से मर्डर मत करवा। आज अभी प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरा ही नाम होगा। खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बन। देखो अभी एक निब्बा है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अभी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए देखना अभी ये क्या क्या खेल करता है मेरे साथ। पहले तो वो अपना छिपा लेता है। ओ ये क्या कुत्ते के साथ? ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया? नॉनसेंस, कहां से आ जाते ऐसे लोग। हाँ तो मैं हूँ बेलन, पूरा दिन रसोड़े में घूमता रहता हूँ। रसोड़े में कौन था गाने नहीं था, उसमें मेरी बात हो रही थी, मैं ही वो था रसोड़े में। देखना अभी है ना, थोड़ी देर में वो जया मम्मी आएगी और मेरे को है ना वो ऐसे गोल गोल पेलेगी, ऐसे गोल गोल पेलेगी कि अब बात ही मत पूछो। ऐसे दे धना धन दे। ये क्या देखा ना, कैसे कैसे कामों में इस्तेमाल करती है, कभी खुजाने में तो कभी वो कहीं से वो डब्बा निकालना उसमें। और हाँ, मेरा खाने बनाने से ज्यादा मारने में इस्तेमाल होता है। बोला था ना मारने में ज्यादा इस्तेमाल होता है। म्यूजिक। इधर। हाँ मैं हूँ हैंड्स फ्री। ऐसा लगता है पूरे दिन दो टांगों के बीच लटकी रहती हूँ। साला जब कुछ काम हो तभी इधर आता है, बाकी ऐसा कुचड़ा वार के रख देता है। हाँ देखो ये ना, अभी इसको जरूर है ना गेम खेलनी होगी या वो टोनी कक्कर के गाने सुनने होंगे, तभी ये मेरी वो गूंज दूर करेगा। इसको जरूर कुछ काम है, वरना ये ऐसा करता नहीं है। भाई ध्यान से कर। ऐसे कौन करता है भाई, कोई ऐसा ध्यान से कर, आराम से कर। देखो अभी ये ना इधर मेरे को ऐसा कहीं ऐसे पहले तो कान में डालेगा और वो वायर है ना वो कहीं ना कहीं घुसा डालेगा। देखो है ना, ए कान कौन साफ करता है? अरे कान कौन साफ करता है? ये नालायक, ये साला कभी भी नहीं सुधरेगा। नॉनसेंस। माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है माँ। A few moments later. ये क्या? फिर से वो मेरी खिचड़ी बना के छोड़ दिया। देखा ना साले का काम वो खत्म हो गया, इसलिए मेरे को ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसी जिंदगी है हैंड्स फ्री की। हाँ तो मैं हूँ लिपस्टिक। मैं ज्यादातर टाइम लड़की के साथ ही रहती हूँ। मैं कभी कबोर्ड में तो कभी पर्स में तो कभी पॉकेट में होती हूँ। लड़कियाँ मास्क के बिना बाहर जा सकती है लेकिन मेरे बिना नहीं। देखो अभी ये मुझे इतना रगड़ेगी कि मैं आधी खत्म हो जाऊंगी। 2 hours later.
4 hours later. 8 hours later. अरे बहन अब तो बस करो प्लीज बस. The next day. अब तो आद हो रही है. 2000 years later. कोरोना के चला जाएगा लेकिन इसका ये लिपस्टिक लगाना खत्म नहीं होगा. 1 eternity later. आज finally खत्म हो गया. अरे मुझे नहीं जाना बार आपके साथ प्लीज. हाँ तो मैं हूँ फ्रिज. हाँ वही वही जिसमें तुम चीजें रखने से ज्यादा खाना खाने हो ठंडी हवा लेने आते हो. खाने में किया है 5 minutes late. खाने में किया है. अरे मोटे और कितना मोटा होएगा तू. A few moments later. ये खाने में किया है ये. 5 minutes later. बीच में से क्या मस्त डाल ये कर ले ये कर ले और घुस जा और हो सके उतना घुस जा एकदम. ये मोटा मुझे बार बार परेशान कर रहा है. रुको अभी इसको सबक सिखाता हूँ. 50 रुपए खर्च हो रहे हैं. मुझे बार बार परेशान कर रहा है. ये बचाओ बंद कर देता हूँ. अभी दूसरी बार परेशान किया ना और मारूंगा मोटे. देखो कैसा बेशरम इधर से जा रहा है. कौन बोला. अरे हम प्लांट्स. क्या हुआ भाई. तू इतनी बार इधर से निकलता है कभी तुझे ऐसा विचार आया कि मैं पौधों को पानी दे दूं. हम पौधे ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देते हैं और तुम्हें पता है कोरोना के इस माहौल में ऑक्सीजन की क्या कीमत है. तुम इंसानों ने पेड़ पौधे एनवायरमेंट को महत्व देना ही छोड़ दिया है और खास करके तुम यंग जनरेशन ने. याद रखना आज तुम प्रकृति का ख्याल नहीं रख रहे हो कल प्रकृति तुम्हारा ख्याल नहीं रखेगी. सही बोला आपने. हम इंसानों ने ये नेचर यानी एनवायरमेंट को बिगाड़ के रखा है. आज से मैं ना नेचर यानी एनवायरमेंट का पूरा से पूरा ध्यान रखूंगा और आप लोग भी नेचर का पूरा ध्यान रखना. और एक बात याद रखना अगर आज हम नेचर को नहीं बचाएंगे तो कल नेचर हमें नहीं बचाएगा. इसलिए पूरे से पूरा ध्यान रखना एनवायरमेंट का. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना. आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था ऑब्जेक्ट कौन सा था वो कमेंट करना. एक कमेंट जरूर से करना वरना मैं समझूंगा आप भी ऑब्जेक्ट है. मेरे को से पता चलना चाहिए ना लोग वीडियो देख रहे तो एक कमेंट जरूर से करना. और हाँ आप वीडियो शेयर नहीं करते हो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ. वो 1K सब्सक्राइबर के बाद वो बढ़ी नहीं रहे से ट्रेन स्लो हो गई है तो ऐसा फास्ट करो ट्रेन जेट की स्पीड से. और हाँ जो भी लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाल बटन को दबा देना. और हाँ भाई तू बोल. मास्क यानी मेरा उपयोग जरूर से करना. सैनिटाइजर यूज करते रहना. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना. और जो भी लोग 18 साल के ऊपर के वैक्सीन जरूर से ले लेना. मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ.